किसी चीज के चले जाने के बाद ही उस चीज की कद्र होती है। और इस चीज का सही एग्जांपल सेट अगर कहीं पे होता है तो वो है बिग बॉस सीजन ओटीटी 3 के जो होस्ट है, उसको देखने के बाद ये सारी चीजें एकदम फिट बैठती है। सलमान खान से कितना भी हेट कर लो उनके एक्टिंग की वजह से, उनकी फिल्म के चॉइस की वजह से या फिल्म पिट जाने की वजह से, लेकिन वो सारी चीज अलग है और बिग बॉस में सलमान खान का एज अ होस्ट होना भाई वो एकदम अलग चीज है। अगर ये न्यूज सही है कि सलमान खान 350 करोड़ लेते हैं एक सीजन को होस्ट करने के लिए, तो आज के बाद से मैं एक्सेप्ट करता हूँ इस बंदे को 400 करोड़ दो, 700 करोड़ दो, लेकिन मुझे होस्ट सिर्फ सलमान खान चाहिए। एक्टिंग में भले से वो बंदा कुछ भी करता हो, लेकिन रियल लाइफ में भाई उस बंदे का एटीट्यूड, उस बंदे का स्वैग भाई क्या जबरदस्त रहता है। आज समझ में आता है यार कि यहाँ पे अनिल कपूर खड़े होकर के क्या कर रहा है, मतलब बात कर रहा है या बात में से पिचकारी निकाल रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सलमान खान अगर वहीं पे होता तो लोगों की फट के चार हो जाती है। सलमान खान अगर बात करते करते एक बार स्क्रीन पे ऐसा देख लेता है ना भाई, बस सारे लोगों की फट के चार हो जाती है और बोलते हैं रुक रुक भाई कुछ बोल रहे, रुक भाई कुछ बोल रहे। सीरियसली बता रहा हूँ, वीकेंड का वार का जितना बेसब्री से इंतजार रहता है मुझे, आज के बाद से बिग बॉस सीजन ओटीटी 3 में मुझे कभी नहीं होने वाला है। बस इसका बस शो देख लो। और अनिल कपूर तो सबसे ज्यादा पका करके जा रहा है भाई, ये पहले ही हफ्ते में समझ में आ गया है। लोगों को डांट रहा है या पुचकार रहा है, समझ से बाहर है भाई। और वैसे ही अगर देखा जाए तो जिस तरह से अनिल कपूर ने वड़ा पाव गर्ल का भाई एंट्री में अपने आंसू बहाए थे, देख के समझ गया था भाई ये कितना फेक होने वाला है। और सलमान खान भले से बहुत सारी चीज पर्सनल ले जाते हैं, भले से वो अपनी ईगो पे ले जाते हो या भले से वो ट्रेंड को फॉलो करने के चक्कर में थोड़ा ओवर कर जाते हो, लेकिन इस तरह की वाहियात हरकतें तो कभी नहीं किया है। कोई गेस्ट अगर आ जाए तो भाई उनको ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं देते, वो उतना ही इंपॉर्टेंट देते हैं जितना वो डिजर्व करता है। किंग बॉस वो सिर्फ सलमान और सलमान खान ही होता है। ऑन द स्टेज बोलो भाई, गेस्ट भी आकर के नमस्कार कर रहे होते हैं। सलमान खान किसी की नहीं चाट रहा होता भाई, क्यों, आखिर क्यों? मैं ओटीटी का ये सीजन देखने के लिए क्यों बैठ गया मुझे नहीं समझ में आ रहा है। क्या करूं भाई, क्या करूं, समझ से बाहर है। चलो ये तो बात हो गई कि भाई होस्ट कैसा है, वीकेंड का वार कैसा रहा। इसके अलावा अगर मुझे कोई चीज सबसे ज्यादा गुस्सा दिला करके गया है ना, वो है चंद्रिका दीक्षित। ये वड़ा पाव गर्ल जो है इस तरह से बात कर रही है जैसे कि ये वड़ा पाव फ्री में दान करती थी, खड़े होकर के अपने पैसे लगा करके फ्री में वड़ा पाव गरीबों को खिलाती थी। जिस तरह से वो कह रही है कि भाई किसी के अंदर में इतना दम होना चाहिए कि सारा सारा दिन खड़े होकर के इतने लोगों को खिला सके, तू अपने पैसे से खिला रही थी क्या बे भेड़ की? 10 की चीज को 50 में बेच रही है, उसके बावजूद भी सिंपति चाहिए, उसके बावजूद भी इनको लैंडलाइट चाहिए। और क्या बुरा बोल दिया यार, अगर पौलमी दास ने कह दिया तो क्या ही बुरा कह दिया। अरे कच्चा बादाम गर्ल से कंगना रनौत ने पूछ लिया था कि आप में ऐसी कौन सी खास बात है जिसको टैलेंट माना जाए और आप किस बिना पे यहाँ पे खड़े हो। बंदी के पास जो ना कोई जवाब नहीं था, पर फिर भी बंदी आज 4 से 12 करोड़ पता नहीं कितने की वर्थ लेकर के घूम रही है। कच्चा बादाम गर्ल दैट अंजलि अरोड़ा, तो भाई वड़ा पाव बेचने को कैसे करके टैलेंट मान ले। तुम वड़ा पाव बेच रहे हो, बेच करके पैसे कमा रहे हो, अपना घर चला रहे हो, अपनी लाइफ सुधार रहे हो, इससे लोगों का क्या फायदा हो रहा है? वो तो बस दुनिया जो है ना, वो कैरी मिनाटी ने सही कहा था, बड़ी छोड़ो यार बोलूंगा विवाद हो जाएगा, लोग मुझे बोलेंगे मैं गाली दे रहा हूं, लेकिन रियलिटी यही है, ये दुनिया पिंक पिंक नहीं है भाई, ये दुनिया जो है ना एकदम काला घोड़ा की काला, समझ रहे हो ना मेरा कहने का मतलब क्या है? ये बस एक लड़की है इसी वजह से। अब अगर तुम बोलोगे कि वो जो डॉली चाय वाला है उसमें क्या खास है, भाई वो भी कुछ ऐसे काम कर रहा था जो लोग बेडरूम के अंदर में करते हैं, अपने पार्टनर के साथ कोई करता होगा या नहीं भी करता होगा, वो चीज भाई साहब दूध मिलाते वक्त में कर रहे थे, तो इसको टैलेंट कह देंगे? और इस वजह से अगर साला है ना, तो हमारी पढ़ाई लिखाई, हमारी डिग्री, हमारी सारी कुछ तेल लेने गई भाई। हाँ हम भी कल निकल करके कुछ पकौड़े तल लेते हैं। बहुत पहले ना इस बात को सीरियस ले लेना चाहिए था, हमारे प्रधानमंत्री साहब ने कह दिया था कि अगर कोई पकौड़े बेच के 500 रुपए रोज का कमा रहा है, महीने का 15,000 कमा रहा है, तो वो रोजगार है या नहीं है? मैं तो कहता हूँ ये टैलेंट है या नहीं है, इस चीज पे सवाल होना चाहिए। साला उस पे चढ़ गए यार, पौलमी दास पे चढ़ गए कि तुमने कैसे करके बोल दिया, तुमने ये चीज बोला कैसे? अरे पप्पा जी किसी और भी टॉपिक के ऊपर में उंगली करो, लव कटारिया इतना कुछ करता है, विशाल इतना कुछ करता है, एक सीनियर एक्टर को जाके पोक कर रहा होता है, मैं भी किसका साइड ले रहा हूँ? वो साला खुद इन सारी चीजों पे डांटता है बच्चों को, उसके बाद से जाके खुद वही हरकत करता है, मैं साइड किसकी ले रहा हूँ? सबके सब साले 15 के 15 दोगले भरे हुए यार इसमें, दोगले भरे हुए। दोगले से याद आया, इसके अंदर में 2 बीवी रखना भी एक टैलेंट है, इस सीजन में 2 बीवी रखना एक टैलेंट है, पकौड़े तलना टैलेंट है, किसी का पिछवाड़ा साफ करना भी एक टैलेंट है। अगर तुमने भी अगर किसी का पिछवाड़ा अच्छे से धोया होता, करने के टाइम पे हाथ का सपोर्ट दिया होता, तो आज तुम भी भाई बिग बॉस में हो रहे होते। यार कहां किस किस को होना चाहिए था ठगेश,
भाई साहब का काम देखो, यूट्यूब में एक नया ट्रेंड लेकर के आता है बंदा, एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया जिसको ब्रेक करना मुश्किल हो चुका है। उसको कहते हैं भाई बंदे में टैलेंट है, बंदा कुछ लगाया है, ये नहीं कुछ हिला डुला करके आ गया और बोला लाओ मेरे नाम का फेम, लाओ लाओ मेरे हिस्से का, कहां है भाई फेम लेकर के आओ, पैसा कमाना है मुझे। साला ये सब तो यहां पे टैलेंट माना जा रहा है और इस चीज पे साला ऑफेंड होते हैं। क्यों नहीं होंगे ऑफेंड? ऑफेंड होना वैसे भी बनता है क्योंकि इनकी बेटी खुद कबाड़ी की दुकान चलाती है और उसके बाद से उनको चाहिए कि लोग उसको बोले कि शी इज द मोस्ट टैलेंटेड सुपरस्टार। कैसे क्या बोलूं यार, अब अगर जो सोनम कपूर को सपोर्ट कर दे उस बंदे से और क्या ही उम्मीद कर सकता हूं। हाँ नहीं, वैसे सलमान खान भी बिना टैलेंट वाले लोगों को अपने फिल्मों में रोजगार देते हैं, लेकिन इस लेवल की वाहियात हरकतें नहीं करते यार। जाने दो यार, जो भी था इतना ही था, तुमको क्या लगता है बताओ, या तुम भी वड़ा पाव गल का जाकर के चाटना चाहते हो, चाटो यार। पौलमी दास को जाकर के गाली देना चाहते हो, गाली दो। रणवीर शौर्य को जाकर के बोलो साला तुमको काम नहीं मिलता, तुम यहाँ पे ऐसे घूमते रहे। सलमान खान के साथ में काम किया था टाइगर जिंदा में, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल वॉज देयर, भूलना भी मत इस चीज को। वीडियो खत्म करने जा रहा हूँ यार, बस जाते जाते एक सवाल करना चाहता हूँ कि ये जितने भी रैपर होते हैं सबके सब स्टोनर होते हैं क्या? नेजी है, कौन सी यादों में खो जाते भाई, ना गर्लफ्रेंड है ना कुछ है, फिर कौन सी यादों में खो जाते? एमसी स्टान जैसे गांजा फूक के बैठा रहता था, साले को विनर बना दिया यार। पता है बहुत गाली पड़ेगी पर सच कड़वा होता है कड़वा। एक तरफ में एमसी स्टैंड था जो साला गांजा फूक करके बैठा रहता था, पता नहीं कौन सी दुनिया में घूम रहता था, लोग सोचते थे कि किसी की यादों में गुम हो गया। नहीं भाई, नशा फूकने को नहीं मिला, इस चीज से जो है ना वो सत्ते में आ गया। यहाँ पे नेजी भी वही कर रहा है, पता नहीं या तो ज्यादा टैलेंटेड लोग जो है ऐसे ही होते हैं या फिर मेरा दिमाग खराब हो गया। That's it. That was my honest reaction for the weekend का वार। अनिल कपूर झक्कास नहीं बोलूंगा मैं। So that's it. मिलता हूँ next video में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो।